यूपी के बरेली में आज एक महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया है। परिजन उसके फौजी पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतिका के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान देखने को मिले हैं। महिला सिपाही बरेली के कैंट थाने में तैनात थी और कैंट इलाके में बने सेना के सरकारी क्वार्टर्स में अपने फौजी पति के साथ रहती थी। बागपत निवासी 2019 बैच की महिला सिपाही शिखा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शिखा के भाई ने बताया कि जब वो अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा उसका शव पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। भाई का कहना है कि पति से उसकी बहन का विवाद होता रहता है। फिलहाल परिजनों ने पति पर ही हत्या की आशंका जताई है। वहीं इस मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि 2019 बैच की सिपाही शिखा ने आत्महत्या की है, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताइए कि जब आप गए वहाँ पहुँचे तो किस कंडीशन में थे? क्या उनके फेस पे और नाक पे बहुत सारी चोट वगैरह लगी हुई थी। जब मैं फिलहाल छोड़े गया था जी, फिलहाल कोई ऐसी चोट वगैरह नहीं थी। क्या लग रहा है किसने किया है? अभी शक की बुनियाद पर हम कुछ नहीं कह सकते। किसी का भी बात हो सकता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, कुछ अभी कुछ बता नहीं सकते सर। पोस्टमार्टम के बाद आपको शक किस पर? हस्बैंड पे? क्योंकि हस्बैंड से आप मानना तो यही है, यही है। अच्छा, विवाद जो चलता रहता था उसी को लेके? विवाद तो चलता रहता था कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। आपने उनसे पूछा क्या क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बताया। आज कुछ भी नहीं बता रहे हैं? उससे शक को कुछ जाहिर होता ना कि नहीं बता? जी होता तो है। घटना हुई है, महिला आरक्षी शिखा है जो बागपत की रहने वाली हैं, 19 बैच की हैं। कल सूचना मिली कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस बात पर हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल गए जहां वो भर्ती थी। उनके पति मिलिट्री में जनरल ड्यूटी में हैं और वहां जाकर हमने उनको देखा, चिकित्सकों से वार्ता की, उनको वहां पे मृत घोषित किया गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो होगी और जो परिजनों द्वारा तहरीर की जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौके से ऐसा लगता है कि पति और पत्नी के बीच कोई विवाद था किसी बात को लेकर, और जो परिजनों ने जानकारी दी है और किसी बात को लेकर के उनके बीच में कोई मारपीट भी होनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब परिस्थितियों के हम लोग छानबीन कर रहे हैं। परिजनों जो तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी पतियों से गिरफ्तार किया? अभी मुकदमा दर्ज नहीं है, परिजनों जो तहरीर नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।